नमस्कार डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना, कहा नक्सली और बीजेपी दोनों नहीं मानते भारत का संविधान। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके के सीएम ने लगाई चौपाल, 9 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा। खदान से कोयला चोरी का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन एक्शन में, कलेक्टर एसपी पहुंचे खदान के निरीक्षण में, सुरक्षा व्यवस्था में मिली खामी। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी और नक्सलियों दोनों को भाजपा के संविधान की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं, इसलिए संविधान की बात कर रहा हूं। नक्सलियों के साथ शांति वार्ता को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरह का बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इस कुर्सी पर मुझे संविधान ने बैठाया है, मैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीएम बना हूं। नक्सलियों को भारत के संविधान पर विश्वास ही नहीं है, तो उनसे किस तरह से बात की जा सकती है। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि संविधान पर विश्वास रख लीजिए, फिर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बीजापुर पहुंचे थे। सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा कहती है कि हम लोगों ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जबकि बीजेपी को भी संविधान के बारे में पता नहीं है। भाजपा तो सिर्फ संविधान को तोड़ने में लगी रहती है, नक्सली और बीजेपी दोनों को संविधान की समझ नहीं है। मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं, इसलिए संविधान की बात कर रहा हूं। भारत के संविधान में बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊं बात करने के लिए, जहां बोले वहां चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक ही शर्त, जो भारत के संविधान भारत में है, देश में है, देश के नागरिक है, भारत के संविधान पर विश्वास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर के बाद बस्तर के भानपुरी और कोंडागांव जिले के मर्दापाल पहुंचे। यहां सीएम ने जन चौपाल लगाई, भानपुरी में लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिनी हॉकी स्टेडियम समेत कई जगह पुल पुलिया बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चौपाल में कहा कि मैंने अभी अस्पताल देखा, फिर देवगुड़ी जाकर सुख शांति की कामना की। आवर्ती चराई की 25 एकड़ की चराई योजना देखी, यहाँ बेहतर काम हो रहे हैं, आप लोगों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एशिया की सबसे बड़ी खदान गेवरा दीपका से कोयला चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। एसएसएल के अफसरों के पल्ला झाड़ने के बाद जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार शाम खदान में पहुंच गई। वहां जेसीबी की मदद से माइंस के चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे खोदने का काम शुरू किया गया है। कलेक्टर रानू साहू अपने साथ प्रशासन की टीम लेकर गेवरा दीपका माइंस की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची। वहां एसीसीएल के अफसरों को भी बुलाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने उनके साथ खदान का निरीक्षण किया। जिन रास्तों से कोयला चोरी की वारदातें सामने आई हैं, वहां भी टीम गई। इस दौरान एसपी भोजराम पटेल भी अपनी टीम के साथ कोल फील्ड्स पहुंचे थे। इसके बाद जेसीबी बुलाकर कोल फील्ड के बाहर और आबादी से जुड़े रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोयला खदानों की सुरक्षा एसएसएल और सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है। यहाँ आज संयुक्त रूप से हम विजिट कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगी कि पूर्वा में फरवरी मार्च महीने में हमने एक मीटिंग ली थी, जिसमें एसएसएल और सीआईएसएफ को यह निर्देश दिया था कि जितने भी कोल माइन हैं आप, उनकी सिक्योरिटी ट्रेंचिंग और साथ ही बार बार फेंसिंग से करिए। लेकिन मैं यहाँ आके देख रही हूँ कि ट्रेंचिंग तो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये आम गाँव का एरिया है, आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो से, हमने अभी जेसीबी बुलवा के जो है हम ट्रेंचिंग करा रहे हैं। और इसके निर्देश दिए हैं मैंने एसएससीएल को, सीआईएसएफ को भी, कि ये जो है ये कार्य में लापरवाही का घोतक है और ट्रेंचिंग का नहीं होना, बार बार फेंसिंग का नहीं होना, क्योंकि ये एसएससीएल की प्रॉपर्टी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएससीएल की है और हमारी भी है। और चूँकि एसएससीएल के द्वारा जो है इसमें जो भी लापरवाही की गई है, इसकी सुरक्षा नहीं हुई है और इसको सुरक्षित रखने के लिए आज हमने एक संयुक्त विजिट पुलिस के साथ और हमारी पूरी टीम के साथ किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को नगद रूप में मदद की पहली किस्त जारी की है। ये रकम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित समारोह में इस योजना की पहली किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश के 3,55,402 लोगों के बैंक खातों में 71,08,04,000 की राशि सीधे भेजी गई है। वर्ष 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपये वार्षिक की मदद मिलनी है।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने एक बार फिर दस्तक दी है। मैनपुर ब्लॉक में नक्सलियों ने रायपुर देवभोग नेशनल हाईवे 130 पर पेड़ काटकर गिरा दिया। मौके पर बैनर और पोस्टर फेंक पुलिस कैंप पर्यटन और मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया है। नक्सलियों ने मैनपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर राजा पड़ाव के समीप सरई के पेड़ों को काट कर गिरा दिया था। वहीं नक्सलियों ने बैनर भी बांधे और पर्चे फेंके थे। ओडिशा की नक्सल कमेटी की ओर से जारी किए गए इन पर्चों में गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और महासमुंद में बंद की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि इसका कोई असर इन जिलों में नहीं पड़ा। हालांकि वाहन चालक जरूर परेशान हुए। बैनर पोस्टर में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा बंद का भी आह्वान किया था। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रभावित किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है। जिले में ऐसे एक दो गांव नहीं बल्कि 211 गांव हैं जहां के किसान बीमा राशि के लिए भटक रहे हैं। सांसद चुनीलाल साहू की अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने इससे संबंधित जानकारी दी। सांसद ने अधिकारियों को कहा कि मई के अंत तक किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वे किसानों के साथ आंदोलन पर बैठेंगे। बैठक में कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, जिला पंचायत सीओ एस आलोक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।